अभी बहुत से लोग हैं जो अभी उनकी बात सामने आई नहीं, अभी देखो कौन कौन सामने आता है, क्या क्या हो रहा है इसके पीछे, बहुत बड़ा राज ये है। तो हमें समझ में आ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा जाल है और ये पूरा जाल सामने आने वाला है। एक एक, एक पत्ते खुलते रह रहे हैं अब इनके। बिल्कुल सही बात है। अरे सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी धक्का धक्का तो दो बात का लगा। पहली बात का ये कि जब पिटी इतनी बुरी तरीका से पिटी, फिर ये नहीं बोली चश्मा लगा के, उस समय तो हम लोग सब रहे थे, जान ही गए थे, पता ही चल गया था। हाँ, हम तो जान गए थे। लेकिन कुछ लोग ये हैं जो उसके सपोर्टर हैं, वो बोलते हैं कि तुम खाली बकवास करते हो, झूठ फैलाते हो। वो तो एंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है, और तुम बोल रहे हैं कि सचिन उसको मारता है, पीटता है, उसकी पिटाई हुई है। तो खाली तुम बकवास करते हो, तो अब उनके मुंह पर तो तमाचा लग गया है ना। ये तो अब विद प्रूफ के साथ बात हो गई ना। हाँ, जब ये पिट गई तो बात हो ही गई प्रूफ की, पिट रही है यहाँ पे बस दिखाने, अच्छा वीडियो में दिखाने। मेरी रियल लाइफ क्या है, लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, जो मैं आके वीडियो में दिखाऊंगी वही तो लोग जानेंगे। अच्छा मैं अच्छाई करने का नाटक करती हूँ तो लोग मुझे बोलते चांदनी बहुत अच्छी है, चांदनी बहुत अच्छी, लेकिन मेरी रियल लाइफ कैसी है कौन जानता सही बात है, है। लोग बिल्कुल। 10 मिनट की वीडियो में, 15 सेकंड की वीडियो में अच्छा बन जाते हैं। जो अच्छा बनने का नाटक करे, अगर उसको कह दो कि पूरा 24 घंटे उसके ऊपर कैमरा रख दो, 24 घंटे, ये 15 सेकंड मिनट की बात छोड़ो, 1 घंटे की बात छोड़ो, 24 घंटे चौबीस की, घंटे 24 घंटा, 72 घंटा इसके हमेशा इसके पास कैमरा रहे और एक पल पल की खबर दिखे, तो तुमको पता चले कि कितनी बड़ी इस कितना बड़ा इसकी लाइफ, कितना पीछे इसका कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, क्या कर रही है, किसके नाम पे पत्ता काट रही है, तब पता। अभी नहीं चलेगा, बाद में ऐसे तुम लोग जब जितने आवाज उठाते हो कि बहुत खुश है, वो तो बताती है कि मैं बहुत हूँ, वो तो बताती है, तुम लोग जानोगे क्या, जब बता रही है जो अच्छा दिखा रही है वही देखोगे ना, जो दिखा रही वही बिल्कुल देखो, जो रियल है वो उसको पहचानने की कोशिश करो, जो दिखाना चाहती है वो दिखा नहीं पा रही है, यहाँ आके वो फंसी है बहुत बुरी तरीका से। बहुत बुरी तरह से। सही है। हाँ अब बहुत बुरी तरीका से फंस गई है वो, ये ना ना ये पीछे जा सकती है ना ये आगे जा सकती है, पीछे खाई है आगे कुआं है, गिरेगी भी दोनों बिल्कुल तरफ किधर भी जाए। हाँ तो ये बहुत बुरी तरीका से फंसी है ये और तो सोच बहुत, रही थी कि हमारा भांडा नहीं फूटेगा कभी, लेकिन कहते ना कि सच्चाई जरूर खुलकर सामने आती है और झूठ का हमेशा पर्दा फाश होता है। ऐसी इसके साथ भी हो चुका है। अब कब देखियो तक साहित्य, छुपाने की कोशिश। पाप की कमाई ज्यादा दिन नहीं चलती है, पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटता है, सही है, और सही है। भले ही ये अपना झूठ छुपाने की कोशिश करे और सच बताने का ये प्रयास करे, फिर बता ना पाए, झूठ छुपाए, लेकिन अगर झूठ सच इतना छोटा है और झूठ बहुत बड़ा है ना, फिर भी सच निकल के सामने आ जाएगा, बिल्कुल कितनी भी कोशिश। करेक्ट, सही हाँ बात है। या फिर वो झूठ, वो गलत काम करना छोड़ भी दो ना, फिर भी प्रेजेंट लाइफ में वो इंटरफेयर आके तुम्हारा झूठ करेगा, कभी ना कभी करेगा जरूर, राज सही है। सामने है। हाँ पीछा कभी नहीं छोड़ेगा सच्चाई। और हम तक ये भी बात पहुंची है कि सबसे पहले वीडियो पाकिस्तान को इसने फॉरवर्ड की थी, और इसमें ये भी वीडियो में कहा गया था कि सचिन मुझ पर बहुत जुल्म कर रहा है, मुझको मार पीट रहा है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ इंडिया के अंदर। ये बात ना, ये बात पता है, ये बात बहुत पहले उठी थी, ये हाँ बात हाँ पाकिस्तान के चैनलों पे, ये बात बहुत पहले उठी थी, ये गर्मियों का मौसम था जब शुरू शुरू में आई थी, अच्छा ये बात उठी थी तो कि ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कुछ एक दो लड़के हैं जो उससे ये बात करती है, चैट करती है, बात करती है, और ये बोली थी मुझे यहाँ पे सचिन मार रहा है, मुझे पाकिस्तान आना है, ये बात करती है, वहां पे बोली थी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे यहाँ पे बहुत सचिन बहुत मारता है, बहुत मुझे परेशान करता है, तो वहां पे भी इसका भी जो, क्योंकि ऐसे लोगों को नंबर याद नहीं रहेगा आज बिल्कुल तक, जिसको यही करना है उसको नंबर याद हो जाएगा आज तक। मुझे ना, मुझे अपना नंबर याद है, अपना नंबर याद है, या फिर मेरे पति का नंबर याद है, या फिर मेरे घर का एक एक दो नंबर याद है, इसके अलावा मुझे कोई भी नंबर मुझे याद ही नहीं है,
बाहर किसी का नंबर मैं समझती नहीं जानती नहीं, जब तक सेव ना करूँ तब तक जानती नहीं। और जिसको यही करना है, जिसको चोरी करना है, यही करना है ना, वो बहुत से नंबर करके बैठेगा और जिंदगी भर के लिए उसको याद रहेगा। बिल्कुल, तो ये नंबर वहां से अपने दिमाग में सेव करके लेके आइए, पर्ची पर्चा का जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में बात करते हैं, जब जिसकी ऐसी नियत हो जाए ना, तो उसको कहां कहां उसका कनेक्शन जुड़ता है कोई पता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे दिमाग सिकंडों में दौड़ जाता है, वैसे इसका दिमाग सिकंड में दौड़ता है, कहां कहां दौड़ता है कोई पता नहीं है। अभी बहुत से ऐसे पता नहीं कितने बूढ़ों से ये बात करती होगी, पता नहीं कितने जवानों से बात करती होगी, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से बात करती होगी, सब धीरे धीरे पता चलेगा। और ऐसी औरतों का भरोसा भी नहीं है कहाँ कहाँ बात कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसी औरतों को बस पहले का जमाना होता, जो कहते कि जो है कि मेरे शादी इसलिए कर दी गई, मैं प्यार करती थी, प्यार की सजा मुझे मिली, प्यार की सजा ऐसी कहती है तेरे, तू कह रही है कि अगर वहां पे चाचा का लड़का होता या फिर मेरे मामा का लड़का होता, फिर उससे मेरी शादी हो जाती, अगर मैं उससे अगर बात करती तो उससे तेरा प्यार तेरा परिवार समझ लेता, और तेरा दूर का जब कोई रिश्तेदार था और दूर का कोई था तो उससे तूने प्यार किया तो तेरा कोई समझा नहीं। अरे ये क्यों नहीं बोलती कि मैं जगह जगह मुंह मार रही थी? ये नहीं बोलेंगे ना, ये कब बोलेगी? ये तो शर्म आएगी। हाँ, ये तो एक प्यार के लिए तो लोग बोलते हैं चलो शादी नहीं हुई थी, प्यार हो गया। अब तो ये मुझे जगह जगह प्यार हो जाता था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे धक्का बाहर निकाल दिया। तू अपने तू तेरा बच्चा रीमा पालती थी, तुझे नहीं, तुझे बोलती थी रीमा को माँ बोलती थी, तू माँ है सिर्फ पैदा कर दी, मजा लेके पैदा कर दी। अरे वो जो तेरे साथ गुलाम हैदर बोलती है कि मेरे साथ में बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझी जा रही है, तो पाकिस्तान से तेरी ये मशीन आई और हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करने की, हिंदुस्तान में औरतों की कमी है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है औरतें। वही कि अब ये जो कर रही है, ये इतनी बड़ी अभी ये बच्चा पैदा करने वाली इतनी बड़ी मशीन है कि इसको पाकिस्तान से लाया गया है और हर मर्द इससे बच्चा पैदा कर सकते हैं क्योंकि मशीन है तो करो। और रही बात कि जब ये बच्चा इसका पैदा हो रहा था, चार चार बच्चा पैदा हो गया, इसको पता नहीं चला गुलाम हैदर क्या है। जब प्रेग्नेंट हो जाती चलता था कि प्यार ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमेशा जब देखो तब अपने पति का टॉर्चर, अपने पति को टॉर्चर करो, लाइफ खराब करो, ऐसा प्यार नहीं होता है। प्यार अगर होता है तो प्यार ये नहीं होता है कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो, किसी का घर बर्बाद करो, किसी की इज्जत खराब करो। बिल्कुल, प्यार तो एक पवित्र चीज है। प्यार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये, और इसके नाम पे बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अभी अभी देखो जवेरिया खानम आई थी पाकिस्तान से, जवेरिया खानम ने कहा था कि मैं 5 साल इंतजार की हूँ, उसकी शादी भी नहीं हुई थी जी। अभी हिंदुस्तान आई, सगाई करके शादी चली गई। जो है मर्द जो होते हैं, मर्द पे तो मर्द तेरे पे तो बिक सकते हैं, लेकिन औरतें नहीं। औरतें को भगवान ने इतनी कुदरत का रिश्ता बनाया है कि औरत इतनी कोमल होती हैं कि उनको पूजने लायक उनका बच्चा को नाम कर रही है और जाति बदनाम कर रही है। अरे तुझे प्यार करना था तो चार दीवारी में बैठ के तू प्यार कर सकती थी, बात कर सकती थी, साथ में अपने बच्चे की परवरिश कर सकती थी, उसका पढ़ाई लिखाई बर्बाद ना होता, पति के साथ रहती, पति का कुछ बर्बाद नहीं करती। जो जी वो खरीदा, तू भागे तुझे खरीदा गुलाम हैदर, 2.5 लाख रुपए दिया जब ये भागी थी, तो पैसा भरना पड़ा था गुलाम हैदर को। बिल्कुल, तो खरीदा तो था, तुझे खरीदा वहां की इतनी महंगाई में, तुझे 2.5 लाख 3 लाख रुपए में तुझे खरीदा। तेरी बस इसकी वजह से कि तुझे प्यार हो गया था तेरे बारे में सोच के, और कह रही है कि 3 साल वो गुलाम हैदर की पहली बीवी जाके खुद इससे तलाक ली थी और फिर मुझसे ज्यादा। गुलाम हैदर जब ये कल का वीडियो देखकर कहती है, गुलाम हैदर खुद कह रहे हैं वो बहुत पसंद है। गुलाम हैदर जो सीमा हैदर के बारे में बोल रहा है, उसको खुद वो भला बुरा बोल रहा है। वो जब उसकी माँ उसको दया आ रही है तो बेचारा कैसे हाथ उठा सकता है इसके ऊपर। सही बात है, लेकिन इसको दया नहीं आएगी, ये है लज्जा औरत,
ये बेशरम है, कभी दया नहीं आएगी उस पे, छोड़ के ही वार करती है। लेकिन करी कौन अपने घर की रिश्ता लगाता है, अरे तू जैसी डायन है ना वो लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अपने परिवार से कोई मतलब ना हो, अपने फैमिली से ना हो, अपने बच्चों से ना हो, अपने शोहर से ना हो, तो वो तो ऐसी औरत लगा ही सकती ना। हाँ बिल्कुल लगा सकती है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि वो, बहुत सी औरतों को मैंने देखा है अपने लाइफ में, जब तक अभी मैं, तब से मुझे ये, मुझे इतना पता जरूर है कि इतना मैं जरूर जानती हूँ, इंसान आजकल दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है साहिब भाई, कोई परफेक्ट नहीं, मर्द है ना औरत है। अगर शादी है, शादी हुई है, बहुत सौ में बस 50 बंदे हैं जो अपने पति पे और अपने पत्नी पे डिपेंड रहते हैं, किसी पे बुरी नजर नहीं डालते हैं, 50%। इतनी बड़ी दुनिया में मैं बोल रही 50%, बाकी 50% ऐसे हैं जिसके जिसके पति के दो पत्नी ना हो, बाहर मुंह ना मारता हो, जो पत्नी के दो पति ना हो, उसका लवर ना हो, है ना, वो जमाना ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल जब दुनिया में वो हो रहा है, जो जिसकी शादी हुई है वो भी कर रहा है।